मुंबई बंद को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी करने वाली लड़कियों की गिरफ्तारी का विरोध शुरू हो गया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मार्कंडे काटजू ने लड़कियों की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए उन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जस्टिस काटजू ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को भेजे ईमेल में कहा है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि बंद का विरोध करने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार दिया गया है। हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, किसी फासिस्ट तानाशाही में नहीं। सच तो ये है कि ये गिरफ्तारी ही एक आपराधिक कदम लग रही है, क्योंकि धारा 341 और 342 के तहत किसी निरपराध व्यक्ति को गलत ढंग से गिरफ्तार करना या हिरासत में लेना एक अपराध है। जस्टिस काटजू ने लड़कियों को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसरों को सस्पेंड करके उन्हें गिरफ्तार करने और फिर उन पर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है। जस्टिस काटजू ने यह भी कहा है कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में समर्थ नहीं है।